बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भाई वीर मोहम्मद रमज़ान बशीर अल मारूफ जान मोहम्मद टेलर। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टू पीस कॉलर जो है वो किस तरह से जमाते हैं और उसको बनाने का तरीका क्या है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कॉलर रखना कितना है। हमारा जो साइज़ है वो हाला छांटने के बाद तैयार होगा, वैसे हमने 17.5 इंच का कॉलर लगाना है। तो सबसे पहले हम इस हाले को छांटेंगे। हाला छांटने का सबसे पहला तरीका ये कि ये दोनों पट्टियों को आप पकड़ेंगे इस तरह से। पकड़ने के बाद ये जो फालतू कपड़ा है इसको आपने यहाँ से काटना है, और इसके बाद आपने इस तरह से इसको पकड़ लेना है। और ये करीब करके दिखाएं ज़रा, ये जो दो सिलाइयाँ हैं इनको आपने आपस में मिला लेना है, और इधर ये पट्टी और बटन देख इन दोनों को भी आपने मिला लेना है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ से आपने कैंची के साथ इस तरह से इसकी गोलाई सीधी करनी है। ये हमारा, अब इसके बाद आपने फिर इसको मेजरमेंट करना है कि आपका साइज़ है कितना। ये देखें, मेजर करने का तरीका ये है, सीधा तरीका ये है कि यहाँ से पकड़ें आप यहाँ सिलाई तक, उसके बाद आपने यहाँ से पकड़ना है और यहाँ तक बटन टेक तक आपने एंची टेप को फैला लेना। तो ये बनता है हमारा 19 इंच, और हमारा तकरीबन कॉलर तकरीबन 17.5 इंच, 17.5 इंच का बनेगा हमारा 19.25 इंच। 17.5 में 1.25 इंच डालेंगे तो हमारा वो 1.25 इंच जो तलपट होता है, यानी जो कॉलर काज कराने के वक्त जो ऊपर नीचे हो जाता है पट्टी के ऊपर, तो वो उसको कहते हैं तलपट। ठीक है, इसका हमारा टोटल हाला बनेगा इसका तकरीबन 19.25 इंच। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद छांटेंगे थोड़ा सा, इसी तरह से बटन वाली टेक साइड से हमने इसको इतना सा तकरीबन 1.5 सूत्र हमने इसको ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से हम इसको भी यहाँ से छांट कर इसकी जो गोलाई है वो सही कर लेंगे। थोड़ा बहुत इस तरह से भी छांटना पड़ेगा, वैसे हमने पहले छांट लिया था। अब हम इसको दोबारा मेजर करते हैं। ये देखें, ऐसे करना है पट्टी से पकड़ कर, उसके बाद आपने यहाँ से लेकर बटन टेक तक आपने मेजर कर लेना। तो हमारा ये देखें पूरा 17.5 इंच तैयार हो गया है, और हमारा जो ये देखें 17.5 इंच कॉलर है हमारा। ठीक है जी, ये 17.5 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो कॉलर होता है वो 17.5, देखें ये है 17.5, लेकिन ये बन रहा है तकरीबन, ये देखें ज़रा करीब करके दिखाएँ, तकरीबन 19 इंच बन रहा है। ठीक है, यानी इसका जो ये जो पल्ले होते हैं इस कॉलर के, यहाँ से इसको मेजर किया जाता है। ये देखें, ये साइज़ है असल, ये देखें पूरा 17.5 है। ये जो बैन है इसको जब हम काज करते हैं और एक साइड पे काज होता हो जाता है और दूसरी साइड पे बटन लग जाता है, तो ये इसको तलपट कहते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 1.25 इंच का एक एरिया होता है जो तलपट के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी जो हाले का साइज़ है वो यहाँ से यहाँ तक इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये साइज़ है हमारा। ठीक है, अब हमारा तकरीबन हमने जो हाला तैयार करना है वो तकरीबन है तकरीबन 19 इंच बनता है, 17.5 इंच। ठीक है, तो ये देखें हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गया है हाला, बिल्कुल नरम हाथ के साथ आपने इसको मेजर करना है। ये देखें पूरा हाला तैयार है। अब हमने इस कॉलर को पकड़ना है। कॉलर पकड़ने के लिए सबसे पहले आपने इन ये जो है ये बोन्स वगैरह है इनको आपने अलग कर लेना है। इसकी डबल साइड होती है, एक साइड पे गोंद होती है, एक साइड पे चमक होती है। चमक वाली साइड पे गोंद नहीं लगी होती, वो आपने ऊपर की साइड पे करनी है, और गोंद वाली साइड जब जमाते हैं तो कॉलर की तरफ करनी है। उसके बाद आपने ये जो है इसकी जो बोन के नीचे पट्टियाँ लगेंगी इनको आपने बिल्कुल एक शेप दे लेनी है इस तरह से। ठीक है जी, ये आपने तो कौन शेप में इसको काट लेना है। उसके बाद आपने ये जो हमारा बैन है पकड़ना है आपने,
तो बैन को आपने सबसे पहले आपने इसकी जो अगर छांट वगैरह करनी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं, इसको आप गोल भी कर सकते हैं और इसको आप चौरस भी कर सकते हैं। ये कॉलर को सीधा जो है ना पदरा करना पड़ता है पहले, ये देखें यहाँ से। अब हमने यहाँ से इसको चाहे तो ये गोल कर सकते हैं और चाहे तो हम सीधा ही रख सकते हैं। गोल कर लेंगे हम इस यहाँ से इसको, तो हम यहाँ से इसको गोल कर लेते हैं। तो खैर दोस्तों ये हमारा बन गया है इस तरह से, ठीक है जी। ये सिंगल पीस चेक करें, ये हमने गोल यहाँ से कर लिया है। अब यहाँ से देखें ये जो कॉलर की शेप है, इसको हम चाहे तो ऐसे ही लगा सकते हैं और चाहे तो हम इसकी ये जो शेप है थोड़ी सी यहाँ से कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेप दी होती है, अक्सर लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते। ग्राहक की डिमांड के हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। नीचे से आपने बिल्कुल बराबर ही रखना है, तो जो ऊपर से इसकी जो किनारे हैं कॉलर के उसको आपने ये देखें हम देखना है यहाँ से दोनों साइड से, आपने दोनों साइड से एक जैसा बढ़ना चाहिए और नीचे वाले पल्ले को भी आपने किस तरह से काट लेना है इसी तरह यहाँ से भी काट लें आप। तो अब ये जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमने इसकी शेप वगैरह बना ली है। तो प्यार दोस्तों सबसे पहले हमने ये तकरीबन कपड़ा लिया है इसका, इसकी चौड़ाई जो तकरीबन 3.5 इंच डबल होनी चाहिए, यानी खोल के अगर देखेंगे तो ये 7 इंच पीस आपके पास होना चाहिए कॉलर जमाने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये देखे दो पल्ले हैं, एक इनमें छोटा है एक इनमें बड़ा है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये जो बड़ा है इसको पकड़ना है और उसके बाद ये लगेगा, ठीक है। आपने बड़ा साइज पकड़ना है यहाँ से और इसको यहाँ पे जमा देना है। यहाँ से किनारा चेक करें, यहाँ से ऐसे किनारा होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको जमाना शुरू करना है। बड़े ही एहतियात के साथ आपने जमाना है। और दूसरी साइड से ये देखें, चेक करें, ये किनारे पर आके आपने इस तरह से यहाँ से आपने अच्छी तरह से इसको जमा देना है। ये कॉलर का बड़ा साइज़ है, यानी ये छोटा साइज़ है और इसमें जो टोटल 4 पीस होते हैं 2 पीस कॉलर में, ये सबसे पहला सबसे बड़ा पीस जो है ये हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। ये उखड़ना नहीं चाहिए, जब उखड़ जाएगा तो समझ लें आपका कॉलर ख़राब हो गया है, ये ठीक नहीं होगा। कॉलर ही कमीज़ की सबसे अच्छी चीज़ है, इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसी से ही आपके काम का पता चलेगा कि आपका काम कैसा है। तो ये हमारा जम चुका है, इसके बाद हमने ये जो छोटा पीस है इसको ये देखें चमक वाली चीज़ है, ये चेपी लगी हुई है और इस साइड पे चमक नहीं है, यानी ये चमक नहीं है, इसको हमने ऊपर रखना है, चमक वाली साइड को हमने इसको ऊपर जमा देना है, ठीक है। अगर इससे उल्टा करेंगे तो ये इस्त्री के साथ चिमट जाएगी, इसलिए आपने ख्याल रखना है, इसको बिल्कुल ऐसे किनारों पे रख के आपने ऊपर से, और यहाँ से आपने बराबर रखना है इसको, ठीक है। नीचे से ये ऐसे बढ़ेगा, ये देखिए यहाँ से ये बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, इसको आपने बिल्कुल बराबर ऊपर से रखना है। और यहाँ से इसके बाद अगर ये बढ़ जाता है थोड़ा बहुत तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा बिल्कुल मैयर करके काट लेना है ताकि ये इस नीचे वाले पल्ले से बढ़े नहीं। हीट का ख्याल रखना है आपने,
कि बड़े ही एहतियात के साथ जमाना पड़ता है, पूरी हीट पहुंचाना पड़ती है। हीट पहुंचेगी तो कॉलर जमेगा, अगर हीट थोड़ी सी कहीं से भी कम रह जाती है तो ये कॉलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसको उखड़ने नहीं देना, इसी तरह जमाना है। अब देखें ये जो बोन है इसकी एक साइड पे चमक है और एक साइड पे ये चीज गोंद लगी हुई है। गोंद वाली साइड आपने कॉलर की तरफ करनी है। देखें इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसको आप सेंटर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लगाती हूँ। इसका लगाने का फ़ायदा ये कि जहाँ ये सिलाई लगाएं तो ये इसके साथ इसके ऊपर सिलाई भी आ जाएगी, ठीक है, और ये उसके साथ बिल्कुल सही जम जाएगा। यहाँ से आपने जमाना है, उसके ऊपर आपने ये जो है किनारे पर बिल्कुल इस तरह से इसको आपने ये देखें बिल्कुल किनारे की तरफ करके आपने इसको जमा देना है। दूसरी तरफ से आ जाते हैं, यही फिर गोंद पकड़ते हैं। इसकी चमक वाली साइड आपने ये नीचे करनी है गोंद वाली, और चमक वाली ऊपर करनी है। इसके बाद फिर यही जो बोन की जो कॉलर की पट्टी है इसको आपने यहाँ पे प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा एक हिस्सा तैयार हो गया है तकरीबन। तो दोस्तों ये हमारा एक हिस्सा इसका कॉलर का बिल्कुल अच्छी तरह से ये जम चुका है, ठीक है जी। अब हमने ये जो बैन है इसको हमने जमाना है, ठीक है। इसके लिए हमने कपड़ा लेना है ये वाला, और यहाँ से इसको इस तरह से इसकी भी जो चेप वाली साइड है वो आप नीचे की तरफ रखेंगे। ये चेप लगी हुई है, चमक देखें आ रही है, ठीक है। इसको हमने नीचे की तरफ रखना है, ठीक है, इस्त्री वाली तरफ नहीं करना ताकि ये इस्त्री के साथ चिमट ना जाए। इसको भी आपने इस तरह से अच्छी तरह से जमा देना है यहाँ पे। अच्छी तरह से यकीन करने के बाद ये जम गई है, तो उसके बाद आपने जो इसकी बैक पे कपड़ा दूसरा टुकड़ा लगे है उसको भी आपने लगाना है। इसके भी दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है, ठीक है। पहले यकीन कर लेना कि ये जम गया या नहीं, जितनी देर ये जम नहीं जाता आपने इसको नहीं लगाना, ठीक है। पूरा कंफर्म कर लेना कि ये जमा या नहीं जमा। ये देखें इसकी दो साइडें हैं, ये देखें। अगर आप इसको इस तरह से लगाएं तो ये देखें ये जो है साइड इसको बिल्कुल पूरा जाना चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। देखें ये जो लगी हुई, ठीक है। इसको हमने देखना कि किस तरह ये सेट आएगी। अब हम रख के देख रहे हैं, ऐसे रख के देखते हैं तो ये ऊपर नीचे आ रही है, ये देखें सही नहीं आ रही, ठीक है। करीब करें ज़रा, ये देखें ये सही नहीं आ रही, यहाँ से कितना फर्क है, ठीक है। अब इसको हम घुमाएंगे इस तरह से, इस तरह देखेंगे। अब देखें पूरा जो दबाव है एक जैसा है चारों तरफ, यहाँ से देखें यहाँ तक एक जैसा है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से जमा देना है। इतना फासला, ये देखिए फासला इसका चेक करने, यहाँ से ये फासला चेक करना है, तकरीबन दो सूत्र का फासला बनता है ये। यहाँ से हमने इसको जमा देना है, और दोनों किनारों की तरफ से देखें यहाँ से इसको सेंटर में कर लेना है। इधर से भी इतना जितना इधर से बचना चाहिए उतना ही इस साइड से भी बचना चाहिए, ठीक है। इसको सेंटर में आपने कर लेना है। अब इसको आपने पूरा यकीन करते हुए आपने इसको जमा देना है। अच्छी तरह से जमाना है, क्योंकि कॉलर की जो फ्यूजिंग है यही इसके सही बनने का पेश खैमा होती है। अगर ये सही नहीं जमेगा तो आपका कॉलर उखड़ जाएगा, और उसके बाद ये जम भी नहीं सकता क्योंकि चेप उखड़ जाती है, और दोबारा आपको नए सिरे से नया कॉलर लेना पड़ेगा। और अगर आपका कपड़ा कम है तो आपका सूट ख़राब भी हो सकता है। ख्याल रखना है कि आपका अगर कपड़ा ज़्यादा है तो लापरवाही कर सकते हैं, अगर कम कपड़ा है तो आपने कॉलर की तरफ से बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, आपको सूट पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है। आप देखें प्यारे दोस्तों ये जम चुका है, मैंने पूरा यकीन कर लिया कि ये वाकई जम चुका है, ठीक है।
अब मैंने इसको क्या करना है, ये जो दबाव है इसको मैंने इसके ऊपर प्रेस कर देना है, लेकिन उससे पहले हमने ये कट लगाएंगे ताकि ये जो दबाव है अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। ठीक है जी, यहाँ से आपने इसको दबाव को ऊपर चढ़ाना है, ठीक है जी, यहाँ से देखें ऊपर चढ़ रही है। अब इसको हमने थोड़ा सा पानी के साथ चढ़ा लेना है ऊपर दबाव को, कपड़े को। तो फिर दोस्तों ये जम चुका है, ये जो बकाया कपड़ा है आपने इसको यहाँ से काट देना है। अब इसको कपड़ा छूट चुके ज़्यादा है, यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको कट कर लेना है ताकि ये कॉलर हमें नज़र भी आए। ये देखें इस तरह से ये तकरीबन ये जम चुका है। अब ये देखें ये जो कपड़ा है फालतू, इसको आपने यहाँ से बिल्कुल इस बुकरम के बराबर रखते हुए आपने काट देना है। ये देखें ये बिल्कुल मैं बुकरम के साथ साथ इसको काट रहा हूँ। यहाँ से सीधा ले जाना है, ठीक है। अब ये देखें ये बिल्कुल कट चुका है इस साइड से, यहाँ से मैंने इसको काटा है, ठीक है जी। और दूसरी साइड ये जो साइड है ये दबाव हमने रख लिया है। अब ये सिलाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये देखें जमाने के बाद हमने ये इसकी जो बैक साइड पे कपड़ा है इसको हमने तैयार करना है। ये किस तरह से करना है ये देखें, यहाँ से इसको रखना है और ये जो कॉलर है इसका इस तरह से, ये देखें बैक साइड से आपने ये मिलाना है थोड़ा सा ये, और यहाँ से ये जैसी ये शेप बनी हुई है इसी तरह से आपने इसको काट लेना है। ये देखिए मैं काट रहा हूँ, गोल शेप में काटूँगा इसको, जिस तरह से कॉलर की शेप है उसी शेप में ये कटेगा। अगर ये शेप ख़राब हो जाती तो ये आपका कॉलर सही नहीं जमेगा। बिल्कुल जैसी शेप इस चीज़ की है वैसे ही पीछे कपड़े की शेप होनी चाहिए। तो पैर दोस्तों अब हम इस कॉलर को बनाएंगे। ये देखिए सबसे पहले आपने इसको सिलाई लगाना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से शुरू करें और इस साइड से आप पहले जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये कॉलर का जो कपड़ा है नीचे वाला वो आगे पीछे नहीं होगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको, तो यहाँ से हम चलते हैं अब इसको सिलाई शुरू करते हैं। इसकी नोक पर आकर बड़े ही एहतियात के साथ आपने इसको टर्न करना है। ये हम रेशमी धागे के साथ इसकी सिलाई कर रहे हैं। यहाँ से आपको पक्का करेंगे इसको और इसको यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ से आप दूसरी साइड से आप सिलाई इसको लगाएंगे, यहाँ से आपने पक्का करना है इसको। और इस बुकरम के साथ साथ आपने जड़ में सिलाई लगाते हुए चलते जाना है। इसके बाद आपने यहाँ से तकरीबन दो सूत्र का दबाव काटना है और ये जो साइड है यहाँ पे आपने ये टुक लगाने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब इसको आपने नोक निकालनी है। नोक निकालते वक्त बड़ी ही एहतियात से काम लेना है आपने। देखिए नोक निकल गई है। अब दूसरी साइड से ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इस तरह से ये जो नोक है कैंची के नोक के साथ इसको सीधा कर लेंगे।
देखें तो निकल गई है हमारी। अब चाहें तो इसको इस्त्री कर लें, आप चाहें तो अपनी महारत के साथ बगैर इस्त्री किए ही आप इसको सिलाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे हम चूँकि इसको डबल सिलाई कर रहे हैं इसलिए हम पहले सिलाई लगाएंगे किनारे पर। टर्न करेंगे यहाँ से। इसके बाद हम इसको कपड़े को नीचे वाले कपड़े को खींचते हुए इस सिलाई को पूरा करेंगे और ये सिलाई हमने पैर की लगानी है, एक पैर की सिलाई लगाएंगे हम। अगर आप इस्त्री कर लें तो बेहतर होगा। इसी तरह से किनारे पे आकर आपने अब यहाँ पे ये जो बुकरम की जड़ है ये देखें, ये नज़र आ रही है हमारी ये जड़, इसके साथ आपने इस सिलाई को लगाना है। फिर दोस्तों अब हमने ये जो दबाव है यहाँ से तकरीबन एक सूत्र का दबाव छोड़कर हमने इस सिलाई से यहाँ इस साइड पर एक सूत्र का दबाव काट छोड़कर हमने इसको काट देना है। ये लीजिए अब इसको आपने सेंटर में इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको एक टुक दे देना है यहाँ पे सेंटर पे। हमने चूँकि डबल सिलाई करनी है इसलिए एक सिलाई दोबारा यहाँ पे लगाएंगे डबल सिलाई के लिए। ये देखिए यार दोस्तों हमारी ये डबल सिलाई इसको लग चुकी है। देखिए अब यहाँ पे हमने टुक लगा लिया। इसके बाद हम आ जाएंगे बैन की तरफ। बैन पर ही हमने एक पाँव की सिलाई यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। सिलाई का दबाव छोड़कर अब यहाँ से हमने थोड़ा सा कपड़े को छांट रहा है ताकि हमें हमारी बुकरम का जो किनारा है वो दिखाई दे सके, ताकि हम जब सिलाई लगाएं तो हमें पता चल सके। अब इसको भी हम सेंटर में रखकर यहाँ से ये किनारों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ से इसको फोल्ड करके तो यहाँ पर भी इसको एक टुक दे देंगे। और उसके बाद क्या करना है कि अब जो काम शुरू होता है वो ये है कि हमने इसको सेंटर से शुरू करना है। ये देखें ये मैंने इसका टुक लगाया हुआ है और दूसरा टुक यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इस टुक को इस टुक के ऊपर आपने रख देना है और ये देखिए जो किनारा है ये बुकरम का, ये इस बुकरम ये सिलाई जो है इसके साथ टच होकर जाना चाहिए। ये देखें और बुकरम पर जो आपने हाफ सूत्र की यानी किनारा सिलाई समीर लगानी है आपने और ये हमारी बुकरम जो है इस सिलाई के साथ मिलाते हुए आपने चलते जाना है।
और फिर यहाँ से सीधे बाहर निकाल देना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपने सेंटर से घुमा के कॉलर को दूसरी तरीके, देखिए हमने इस साइड से लगाई है, अब इसको ऐसे घुमा लेंगे और दूसरी साइड पे ले आएंगे। अब यहाँ से लगाएंगे इसको, वही तरीका है, इस किनारे को इस सिलाई के साथ टच करते हुए जाना है आपने। अभी हमारा कॉलर जो है इसके साथ ये बुकरम जुड़ चुकी है। अब इसके साथ हम लगाएंगे बैक वाला कपड़ा। अब जो हमने बैक पे कपड़ा लगाना है, तो हमने देखें ये इसकी शेप तैयार की हुई थी, एक साइड पे ये कपड़ा जो है ये देखें इसकी ये शेप बनी हुई है गोल, ये देखें, और दूसरी साइड पर ये सीधी करनी है। तो हमने ये जो गोल साइड है, शेप जो बनाई हुई है, वो हमने कॉलर के साथ ये देखें यहाँ से आपने रख कर इस तरह से ऐसे मिलाना है आपने, और इसको ऐसे पकड़कर तो पता करना है यहाँ से। ठीक है जी, अब आपने इस सिलाई के अगली साइड पे आपने सिलाई लगानी है, दूसरी जो है तकरीबन हाफ सूत्र छोड़कर इसके सिलाई, ये जो सिलाई हमारी लगी हुई है इसके साथ आगे की तरफ लगानी है, पीछे नहीं लगानी, ठीक है, अगली तरफ। मिलाते हुए चलते जाएं, तकरीबन हाफ सूत्र का दबाव लेते हुए आपने इसको एंड करना है। यहाँ से आपने गुलाई देनी है इसको, उसके बाद यहाँ से आपने पक्का करते हुए इसको बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारा जो कॉलर है ये तकरीबन बन चुका है। अब ये देखें ये जो इसकी दबाव है इसको हमने गोल शेप में काटते हुए और इसी तरह से दूसरी साइड से भी काटते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है। अब इसको हमने फोल्ड कर लेना है, ये देखिए इस तरह से, और फिर दूसरी साइड से भी, और अब इस्त्री की मदद से या सिलाई किधर कैंची की मदद से आप किस, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने शेप बनाते हुए यहाँ से आपने कपड़े को खींचते हुए किनारा सिलाई पैर की सिलाई लगाते जाना आपने। और यहाँ पे आकर आपने फिर वही इस तरह फोल्ड करके इस पर तकरीबन हाफ इंच तक सिलाई लगा लेनी है, और ये हमारा जो कॉलर है बिल्कुल रेडी हो चुका है लगने के लिए। दोस्तों हमारा ये कॉलर जो है तकरीबन अच्छी तरह से बन चुका है। अब हमने ये जो है तीन सूत्र का हमने ये दबाव काट लेना है, बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि यहाँ से ये कमीज के साथ ये जुड़ जाएगा, और अगर अच्छी तरह से दबाव काटेंगे तो आपका जो दबाव है एक जैसा जुड़ेगा। अब इसके बाद आपने सेंटर में इसको यहाँ से मिलाकर यहाँ पर टुक लगा देना है, और अब हम इसको कमीज के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए प्यारा बन चुका है इतना। चलो